हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है कनीना तहसील परिसर में, जहां हरियाणा सरकार के द्वारा जो भर्तियां निकाली गई है उनमें जो 5 नंबर के लिए एक एफिडेविट का रूल निकाला गया है कि अगर आपके घर परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में कैंडिडेट नहीं है तो आपको 5 नंबर के लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। उस एफिडेविट को लेकर इतनी मारामारी है कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे तहसील परिसर के अंदर इकट्ठी हुई है। और यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी है वहां पे जो बच्चे हैं फॉर्म अप्लाई करने वाले, उनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो एफिडेविट 10 रुपए मात्र की टिकट लगा के जो एफिडेविट बनाया जा रहा है, इस एफिडेविट का उनसे 50 से 100 रुपए चार्ज पे किया जा रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ धांधली हो रही है और बच्चों से अवैध वसूली इस एफिडेविट को लेके की जा रही है। आइए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कोर्ट परिसर में, तहसील परिसर में इकट्ठे हुए बच्चे जो एक एफिडेविट बनवाने के लिए आए हुए हैं, क्या कह रहे हैं, कितने रुपए, कितना चार्ज उन्होंने पे किया है इस एक एफिडेविट को बनवाने के लिए। और जहाँ 5 नंबर का एफिडेविट तैयार किया जा रहा है, एक कैंडिडेट का तो खुद का एक ही एफिडेविट होता है, तो फिर हर फॉर्म अप्लाई करने के लिए अलग अलग एफिडेविट क्यों? एफिडेविट बनवा के एक फॉर्म में लगा रहा है कि 5 नंबर को उसका हकदार है, 5 नंबर अगर उसके घर में कोई भी उसके परिवार में से कोई भी सरकारी कर्मचारी दिए, तो एक जब एफिडेविट बनवा लिया तो हर फॉर्म के लिए अलग अलग एफिडेविट बनवाने की क्या जरूरत है। और जब 10 रुपए की टिकट लगी हुई है तो इस एफिडेविट को लेकर 50 या 60 या 70 या 100 रुपए का चार्ज क्यों पे किया जा रहा है? हमारे साथ जो बच्चे जिन्होंने एफिडेविट बनवाए वो हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानते हैं आपने कितने एफिडेविट बनवाए। हर फॉर्म के लिए अलग लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं विभाग के नाक के नीचे ये जो यहाँ कार्य यहाँ कर्मी जो बैठे हुए हैं, जिस भी प्रकार के इनके पास लाइसेंस है, वो विभाग के नाक के नीचे धांधली करते नजर आ रहे हैं। 10 रुपए की टिकट लगा के इन बच्चों से 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार अपनी कार्य प्रणाली को लेकर ये बोलती नजर आ रही है कि हम फेर भर्ती कर रहे हैं, फेर कार्य जो भी काम हो रहा है भर्तियों को लेकर वो बिल्कुल फेर है, लेकिन उसी डिपार्टमेंट की नाक के नीचे यहाँ पे बच्चों से 70-70 रुपए एक एफिडेविट के लिए चार्ज पे किया जा रहा है। क्या एक ही एफिडेविट से काम नहीं चल सकता है? और अगर एक एफिडेविट से काम चल सकता है तो जहाँ 10 रुपए की टिकट लगी हुई है वहाँ 50 से 100 रुपए चार्ज क्यों पे किया जा रहा है? ये बच्चे हमारे साथ खड़े हुए हैं, भाई कितने कितना चार्ज पे किया? 70 रुपए। कितने एफिडेविट बनवाए आपने? एक एफिडेविट बनवाया, कितना चार्ज लिया? 70 रुपए। आपने ये नहीं पूछा कि 70 रुपए क्यों चार्ज लिया है? यानी आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। अगर एफिडेविट बनवाना है तो 70 रुपए चार्ज लगेगा, नहीं तो अपने घर जा सकते हो। हर पार्टी जितने भी फॉर्म यानी अगर आपको हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई करना है तो एक एफिडेविट चाहिए, उसके बाद कैनल पटवारी का करना है तो भी एक एफिडेविट, यानी अलग अलग फॉर्म आपके है। आपको ये जो एफिडेविट आपने बनवाया है इसका रीजन एक ही है कि आपके घर परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, सिर्फ 5 नंबर के लिए। तो वो जब एक ही आपने बनवा दिया एक एफिडेविट, ये एक एफिडेविट है मेरे घर परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग बनवाना कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट हो? ठीक है, आज की इस महंगाई के अंदर इतना पैसा निकाल पाना आपके पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये धांधली है या नहीं है भाई? आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ इतने बच्चों की भीड़ लगी हुई है, 10 रुपए का ये स्टाम्प पेपर है जो एफिडेविट बनाया जा रहा है, इसके ऊपर 70-70 रुपए पे किए जा रहे हैं। 70 में भी काम ना है, और ये बोल रहे हैं कि 70 रुपए से भी काम नहीं चल रहा है। कितने पैसे लिए? 70 रुपए ले लिया, 70 में भी काम ना हो रहा। काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्या काम अटक गया? तहसीलदार को रजिस्टर्ड किस लिए, क्या रीजन? कोई नहीं।
पता नहीं क्या भीड़ को देख कर कि यहाँ बच्चे हैं, भीड़ लगी हुई है, इसलिए रजिस्ट्री को उठा ले गए। आप देख पा रहे हैं, अगर भीड़ तो लगेगी, जितने दिन तक फॉर्म अप्लाई होंगे बच्चे अपना काम करवाने के लिए यहाँ आएंगे तो भीड़ तो लगेगी ही, या तो वर्करों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बच्चे जो अपना जहाँ ये कोचिंग कर रहे हैं जहाँ का स्थान है अपना वहाँ से छोड़ के यहाँ के लिए लाइन में लगे रहेंगे। एक तरफ तो जहाँ सरकार बोलती है कि पढ़ो लिखो कामयाब हो, कोई पर्ची खर्ची नहीं, तो इनको पढ़ने लिखने का समय तो दिया ही नहीं जा रहा है, एफिडेविटों के लिए यहाँ पे लाइन लगाई जा रही है, कहाँ फिर ये एक फेयर काम हो गया? या तो पढ़ने लिखने के लिए टाइम मिल सकता है या फिर या एफिडेविट में लाइन लगने के लिए टाइम, समय तो एक ही है, एक कैंडिडेट एक समय पे एक ही काम के लिए रुक सकता है, चाहे वो अपनी कोचिंग कर सकता है या चाहे इन एफिडेविटों के लिए लाइन में लग सकता है। तो कहीं ना कहीं विभाग की अनदेखी, बच्चों को आप देख पा रहे हैं कैसे भीड़ में लगे हुए, यहाँ गर्मी है ना ही अपने कोचिंग संस्थान पे जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से अनदेखी की जा रही है। भाई साहब, जो ये एफिडेविट जो आप बना के दे रहे हो, जो ये यहाँ पे बच्चों की भीड़ लगी हुई है, कितने की टिकट लगा रहे हो उसके ऊपर? ये 10 रुपए की लग रही है। 10 रुपए की, और चार्ज कितना पे कर रहे हो आप इस एफिडेविट को लेके? किसका है? कौन कहाँ है अंशुला जी? कहाँ पे है? कहाँ पे रजिस्ट्री करने गए हुए जी? 20 की लगा रहे हैं। 20 रुपए की टिकट लगा रहे हैं।